हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कपड़ा से गुलाब का फूल बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है, सिंपल है और देखने में बहुत ही आकर्षक है। तो प्लीज आप गौर से देखिए इस वीडियो को। ये मैंने फ्लास लिया है और ये मैंने कैंची ली है, ये धागा, और ये हमने गुलाब बनाने के लिए जो स्टिक आते हैं वो ली है। आप इसके जगह पे तार भी यूज कर सकती हैं। ये मैंने कपड़ा ली है, इसे अर्गंडी कपड़ा बोलते हैं, इससे गुलाब का फूल बनाएंगे। और ये मैंने पिप्स ली हूँ, इसे पिप्स बोलते हैं, ये आपको दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। और ये मैंने पेन लिया है, जिससे मैं रिफिल निकालूंगी, रिफिल का यूज करूंगी यहाँ पे। ये मैंने इंची टेप लिया है। चलिए मैं आपको बताते हूँ कि कपड़े को कैसे काटना है। कपड़े को आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसे चार तरह में फोल्ड करें या फिर दो तरह में भी फोल्ड कर सकती है। आपको जितना तरह में आप इसे फोल्ड करेंगी, आपको काटने में उतनी आसानी होगी। तो मैं तो अभी दो तरह में आपको बता रही हूँ काटकर। लेना है पहले आपको 5x5 का कपड़ा लेना है, जैसे इस तरह से मैं काट रही हूँ। यहाँ तक लंबाई आप 5 लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 5 इंच ले लिया। अब इसे मैं सीजर की मदद से काट लूंगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। उस सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकन आएगा, आप उस पर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को आसानी से देख पाए। आप खुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्त और रिलेटिव से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इस तरह से हमें कपड़े काटने हैं। उसके बाद हम ये जो लेंगे वो 4x4 का लेंगे, ऐसे। ये हमारा दूसरा तरीका है, आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। ये काफी इजी है, आप इसी तरीके से काटिएगा, ये ज्यादा आसान है। अभी हमने 3x3 का कपड़ा काट रही हूँ। उसके बाद 2x2 का काटना है, फिर 1x1 का कपड़ा काटना है। इस तरह से आपको कपड़ा काटना है।
मैं यहाँ पे पेन का जो रिफिल होता है उससे यहाँ पे कपड़े को मोड़ूंगी इस तरह से। हमें सारे कपड़े को मोड़ लेना है। मैं गुलाब की पत्ती यहाँ पे लगाऊंगी, तारों में डाल दूंगी गुलाब का पत्ती इस तरह से। उसके बाद आपको तार के जो ऊपरी भाग है उसे इस तरह से मोड़ना है और इसमें हम क्लिप्स को लगाऊंगी। देना है पैकिंग ना निकले। धागे की मदद से इसे बांधूंगी। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है जो हमने मोरा था वो मुड़ा हुआ भाग बाहर की तरफ हो, ना कि अंदर की तरफ। ये जो हमने मुड़ा है उसे बाहर की तरफ रखना है, जो चिकना भाग है उसे अंदर की तरफ रखना है। तो इस तरह से लगाकर हमें धागे को लपेटना है। अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकती हैं, आप चाहे तो एक कलर भी यूज कर सकती हैं या आप एक से अधिक कलर भी यूज कर सकती हैं। वो आप जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे बना सकती हैं। मैंने दो कलर यूज किया है यहाँ पे। हमें एक के बाद एक कपड़े को रखना है और इसी तरह धागे से बांधते जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं वैसे बांध रही हूँ, वैसे ही आपको भी बांधना है। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगते हैं। ध्यान देना है कि पहले जब हम कपड़े लगाएंगे तो पहले 1 इंच का लगाएंगे, 2-3 तह लगाने के बाद हम 2 इंच यूज करेंगे, फिर 2 तह लगाने के बाद हम 3 इंच का कपड़े का यूज करेंगे, उसके बाद फिर 2 इंच लगाने के बाद हम 4 इंच का कपड़े का यूज करेंगे और लास्ट में हम 5वें इंच का कपड़ा को लगाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज बड़ा करते जाना है कपड़े।
के लास्ट में हम गांठ लगा देंगे, उसके बाद पत्ते को ऊपर कर देंगे। इस तरह से हमारा गुलाब बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे गुलाब को बनाएंगे, क्योंकि हमारा लास्ट में एक गुलदस्ता तैयार हो जाएगा।